Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के बारे में, जिन्होंने आज से एक साल पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। बिलीव मी, मैंने इन तीन चार सालों में हज़ारों हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट देखे हैं एंड आई हैव कंसल्टेड मोर देन 800 पीपल्स। एंड जितने भी मैंने बेस्ट रिजल्ट्स देखे थे अपनी लाइफ में हेयर ट्रांसप्लांट के, या तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली क्लिनिक्स के होते हैं या फिर उनकी डोनर एरिया की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है उनकी हेयर की क्वालिटी। लेकिन जिन पेशेंट का रिजल्ट आप देखने वाले हो आज की इस वीडियो में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट इन आर केस स्टडी सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपने हमारी केस स्टडी सीरीज की जितनी भी पहले पेशेंट के रिजल्ट की वीडियोज आई, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उन वीडियोज़ में एक कॉमेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉमेंट था आपकी, ये डिमांड थी कि आप जिन पेशेंट का रिजल्ट शो करते हो, एटलीस्ट उन पेशेंट की डिटेल्स भी बता दिया करो कि उन्होंने कौन से क्लिनिक से करवाया है। तो हमने ये डिसाइड किया है फाइनली कि हम आपसे जितनी भी केस स्टडी सीरीज की वीडियोज आएगी, आपको जो पेशेंट जिस क्लिनिक से करवाएगा उस की इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो गाइस, ये पेशेंट की फोटोज़ है बिफोर द सर्जरी। आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं पेशेंट का ग्रेडर बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 40 प्लस इनकी एज है, 3500 ग्राफ्ट इनको लगाए गए हैं। एक्चुअली इनका फ्रंटल हेयरलाइन का प्रॉब्लम था, फ्रंटल हेयरलाइन रिसीड हो चुके थे। टेम्पोरल पॉइंट इनके रिबिल्ड नहीं किए गए क्योंकि टेम्पोरल पॉइंट बिल्कुल बेहतरीन थे इनके, पहले से ये रिसीड नहीं हुए थे। फाइनली इनकी हेयरलाइन डेवलप हुई एंड ज़्यादा नीचे हेयरलाइन नहीं बनाई गई, क्योंकि हेयरलाइन एट द एज ऑफ 35 to 40 ईयर ओल्ड आप देखोगे हेयरलाइन ऊपर ही होती है नेचुरली। तो अगर नीचे हेयरलाइन बना दी जाए तो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप आता है। फाइनल इनकी सर्जरी हुई एंड इनको सर्जरी में 3500 ग्राफ्ट लगाए गए। कितना बेहतरीन तरीके से आप फोटोज़ में देख सकते हो प्लेसमेंट हुआ है, ज़्यादा गैप नहीं दिया गया ग्राफ्ट के बीच में, ताकि जो डेंसिटी आए वो मैक्सिमम आए। सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन बनाई गई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेम्पोरल पॉइंट रिबिल्ड नहीं हुए हैं। डोनर एरिया को भी बिल्कुल डैमेज नहीं किया गया है, जितने ग्राफ्ट चाहिए थे उतने ही ग्राफ्ट निकाले गए हैं। आफ्टर 5 डेज, आपको पता होगा जैसे कि 5 दिन बाद आपके जो न्यूली ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट होते हैं, उनके बाहर क्रस जम जाती है, वो ब्लड क्लॉट्स, उनको रिमूव करना पड़ता है। आप इन फोटोज़ में देखिए, इनको क्रस जम गई है। इन क्रस को आफ्टर 7 to 14 डेज आपको रिमूव करना होता है। ध्यान दें, 14 दिन के बाद आप रिमूव ना करें, क्योंकि उससे ग्राफ्ट डैमेज हो सकता है। आफ्टर 2 मंथ आप देखिए इनका, जैसे आपको मैंने पुरानी केस स्टडी वीडियो में बताया है, 2 महीने तक शेडिंग फेज रहता है। जितने बाल झड़ने होते हैं झड़ जाते हैं, मैक्सिमम शेडिंग फेज 3 महीने भी ज़्यादा है। कुछ पेशेंट का इनका शेडिंग फेज खत्म हो चुका था, थोड़े थोड़े बाल आने लग गए थे। आफ्टर 4 मंथ अब देखिए, बहुत बेहतरीन इनका 4 मंथ में रिजल्ट आया है। अब क्या होता है, 4 महीने बाद, जैसे आपको पता है 3 महीने से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, 4 महीने बाद आप देखेंगे फ्रंटल हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल बन चुकी है, ग्राफ्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। डेंसिटी अभी थोड़ी कम है क्योंकि 4 महीने हुए हैं, 3 महीने बाद इनको PRP लगी, डोनर एरिया भी हील होने लगा है, आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो उनका पीछे का पार्ट था उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाई, यहाँ पीछे से बाल निकाले गए हैं। आफ्टर 6 मंथ, यहाँ बात आती है 6 महीने बाद की, जो सबसे बेहतरीन पार्ट है इस वीडियो का। अब इन 6 महीने बाद इनका रिजल्ट देखिए, आप डेफिनेटली जज नहीं कर पाओगे मैं इनको पेशेंट को देख के कि इन्होंने ट्रांसप्लांट कभी करवाया है। इतना बेहतरीन तरीके से इनको बनाया गया है, इनका फ्रंटल हेयरलाइन को कोई देख के नहीं बता सकता कि इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। मैंने कई बार वीडियोज़ में आपको पहले भी ये चीज़ बताई गई है, अगर आप फ्रंटल हेयरलाइन में सिंगल हेयर ग्राफ्ट का इस्तेमाल करो तो रिजल्ट नेचुरल आता है। आपने काफ़ी पेशेंट के रिजल्ट देखे होंगे जहाँ पर डबल हेयर ग्राफ्ट लगा दिए जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो प्लगी सा अपीयरेंस आता है, मोटे मोटे बाल आगे फ्रंटल हेयरलाइन में लगा दिए जाते हैं, जिससे रिजल्ट थोड़ा आर्टिफिशियल आता है। कोई भी देख के जज करके बता देता है कि हाँ तुम्हारी फ्रंटल हेयरलाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तुमने कुछ सर्जरी या फिर कुछ नकली बाल लगाए हैं। इन पेशेंट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आया है। हेयरलाइन इनके बहुत ज़्यादा इनके फेस को मैच खा रही है, आप देख सकते हैं फोटोज़ में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके अभी भी एट द एज ऑफ 42 to 43 अभी भी इतने एक्सेस ग्राफ्ट इनके डोनर एरिया में अवेलेबल हैं, इन फ्यूचर इनको जरूरत पड़ती है तो निकाले जा सकते हैं। अब देखिए इनके फ्रंटल हेयरलाइन कितनी ज़्यादा नेचुरल बनाई गई है, वही बात मैंने आपको पहले बताई, सिंगल हेयर ग्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो लुक है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल आए। पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। आप इनके क्लिनिक की इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक में क्लिनिक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, लिंक में क्लिक करिए आपको डायरेक्टली क्लिनिक का पेज में आपको रिडायरेक्ट हो जाओगे। उस पेज में आप फॉर्म भर सकते हो, वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद क्लिनिक वाले आपको खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। देखिए बहुत बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है एंड दैट टू इन 15 रुपीज़ पर ग्राफ। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने प्राइस में ऐसा रिजल्ट।
सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आई हो और आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट पसंद आया हो तो आप नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाइए, वहाँ क्लिनिक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो पर्टिकुलर क्लिनिक है, आप फॉर्म भर सकते हो, क्लिनिक वाले आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। और अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोज़ लाऊँ वो डायरेक्टली आपके फोन में पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।